अभी हमने देखा, हमने पेज फॉल्ट डिस्कस किया। पेज फॉल्ट में हमने देखा कि अगर हमारा कोई पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है और हम ऐसे पेज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं जो मेन मेमोरी में नहीं है, तो हम उसे ओएस की हेल्प से सेकेंडरी मेमोरी से अपने मेन मेमोरी के किसी एम्प्टी फ्रेम में फिट कर देते हैं और फिर उसे सीपीयू को दे देते हैं। ठीक है, बट यार एक बात बताओ, क्या तुमने ये सोचा है, अगर मेरे पास कोई फ्री या फिर एम्प्टी फ्रेम हो ही ना, जरूरी थोड़ी ना मेरे पास फ्रेम एम्प्टी होगा, नहीं है मेरे पास कोई भी खाली फ्रेम, तब उस केस में क्या करेंगे? देखो मैं बताती हूँ उस केस में क्या होता है। उस केस में हम लोग स्वैपिंग यूज करते हैं। स्वैपिंग क्या होता है, जो मेरे पेजेस ऑलरेडी मेन मेमोरी के फ्रेम्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें से किसी पेज से अपने रिक्वायर्ड पेज को रिप्लेस कर देना। ठीक है, अगर मैं अच्छे से डायग्राम बना के ये वाली चीज बोलूं कि यार ये तो मेरी मेन मेमोरी है, ठीक है, और इसमें मेरे कुछ पेजेस रखे हैं, इसमें है मेरा पेज 1, पेज 2, पेज 4, पेज 3, पेज 19, पेज 40, पेज 31, पेज 25, ऐसे कुछ भी रैंडमली मेरे इसमें पेजेस रखे हुए हैं। और अब मेरे को जरूरत पड़ गई है पेज नंबर 10 की। ठीक है, पेज नंबर 10 तो मेरा है नहीं यहाँ पे, ठीक है, मेन मेमोरी में, बट अब मेरे को पेज नंबर 10 अपनी सेकेंडरी मेमोरी से तो यहाँ लाना होगा, तो मैं किसी ना किसी पेज को सेकेंडरी मेमोरी में भेजूंगी और अपने पेज 10 को यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो वो मैं किस तरह से लेकर आऊंगी, बेसिकली जो मेरा यहाँ पे कोई भी एक पेज है, अगर मैं लेट से पेज नंबर 40 है, उस पेज को मैं स्वैप आउट करूंगी बेसिकली, और अपने पेज 10 को उसकी जगह स्वैप इन करूंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होता है, ये मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, अब कौन से पेज को हम लोग स्वैप आउट करते हैं, इसकी भी हमारे पास कुछ कुछ एल्गोरिदम्स हैं, वो एल्गोरिदम्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्वैपिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, फिर अब हम स्वैपिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।